आधुनिकता के अतिवाद में अंधा हुआ हमारा मानवीय समाज लगातार पर्यावरण को नष्ट करता चला जा रहा है। इस वजह से प्राकृतिक आपदाएं भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। चाहे भीषण गर्मी हो या अचानक आया तूफान या बेसबब बारिश से आई बाढ़, प्राकृतिक आपदा किसी भी रूप में अपना प्रकोप निरंतर दिखा रही है। कुछ ऐसा ही हाल अभी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का है। भारी बारिश के बाद मणिपुर और आसाम में भयानक बाढ़ कहर बरपा रही है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों समेत प्रमुख नदियों का पानी खतरे के निशान के ऊपर बहने के कारण 23 जिलों में 11,50,000 लोग प्रभावित हैं। एक आधिकारिक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। राज्य में इस साल बाढ़, भूस्खलन और तूफान की घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। इनमें से 46 मौतें आसाम में और 2 मणिपुर में हुई हैं। बुधवार को आसाम में बाढ़ के पानी में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि मणिपुर में 2 लोग डूब गए। आसाम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि 29 जिलों में 16,25,000 से अधिक लोग बाढ़ की दूसरी लहर से प्रभावित हुए हैं। वहीं मणिपुर में 2,000 से अधिक लोगों को भारी बाढ़ वाले इलाकों से निकाला गया है। 105 राजस्व सर्कलों के अंतर्गत 2800 गांव अब भी पानी में डूबे हैं और बाढ़ के पानी ने फसल वाले इलाकों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है। आसाम में 24 बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रशासन की ओर से बनाए गए 515 राहत शिविरों और वितरण केंद्रों में 3,86,000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। पिछले 24 घंटों में बाढ़ के पानी ने मणिपुर और आसाम दोनों में सैकड़ों सड़कों, दर्जनों पुलों और हजारों घरों को नुकसान पहुंचाया है। इम्फाल पश्चिम में सिंगजा में ओइनम, थिंगल में इम्फाल नदी का तटबंध टूट गया और इम्फाल पूर्व में कोंगबा इरोंग के अलावा केइराओ के कुछ हिस्सों में कोंगबा नदी उफान पर आ गई है। आसाम और मणिपुर दोनों जगह भारी बारिश लगातार जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस सप्ताह सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सेना, असम राइफल्स, राज्य पुलिस, मणिपुर अग्निशमन सेवा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मी और स्थानीय स्वयंसेवक बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। आसाम के नेशनल पार्क में 11 जानवर बाढ़ के पानी में डूब गए, जबकि 65 अन्य जानवरों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बाढ़ के पानी में डूबने वाले जानवरों में अधिकतर हॉग डियर हैं। हॉग डियर हिरण की एक दुर्लभ प्रजाति है। सुरक्षा कर्मियों समेत वन विभाग के कर्मचारी वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गश्त लगाने के लिए नेशनल पार्क के अंदर शिविरों में रह रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करने के साथ ही पीड़ित लोगों से मुलाकात की थी। उन्होंने बाढ़ के संकट से जूझ रहे लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। इसके साथ ही बीते दिन सीएम ने बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द नुकसान का आकलन कर बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। फिलहाल असम हाई अलर्ट पर है, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बारिश होने की आशंका है। बाढ़ के पानी ने आसाम के साथ साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को भी प्रभावित किया है। आसाम आपदा प्रबंधन ने बताया कि राज्य से होकर बहने वाली सभी नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान को पार कर गई हैं और राज्य के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी संकट की स्थिति में असम सरकार को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।